आरक्षण दे नहीं सकती। राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए जो जीआर निकाला 25 मई 2004 का, दैट इज अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो साथियों, महाराष्ट्र राज्य में भी 4 अगस्त 2017 से प्रमोशन में आरक्षण बंद हो चुका। और हमें सबको मालूम है कि इसके दरमियान जो भी प्रमोशन के ऑर्डर निकले उन्हें रद्द किया गया। उन एससी एसटी के कर्मचारी अधिकारियों को उनके निचले पद पर भेजा गया। इसका मतलब सम्मान को अपमान में परावर्तित किया गया। साथियों, तो साथियों हम देखते हैं कि जो एम नागराज के डिसीजन के कारण जो प्रमोशन में आरक्षण बंद हुआ, क्या एम नागराज के 5 जजेस बेंच को यह अधिकार है? यह भी बड़ा सवाल हमारे सामने है। जब 1992 में इंदिरा साहनी का जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन में यह बोला गया था कि एससी एसटी आर डीम्ड बैकवर्ड एज पर आर्टिकल 341। तो जब एससी एसटी को बैकवर्ड कहा गया 9 जजों ने, तो इस 5 जज की क्या मसाल मिजाज है कि 9 जज के डिसीजन को 5 जज उल्टा कर दे। तो साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट के बाहर जाकर यदि सुप्रीम कोर्ट, यदि जुडिशियरी हमारे पे हमले करती है, करती रहेगी, तो हमें रास्ते पर आने की जरूरत है। और यदि जरूरत पड़ी तो हमने अभी तक देखा है कि संसद के ऊपर तो बहुत मार्च निकलते हैं, संसद के ऊपर आए दिन मार्च निकलते हैं, लेकिन इस देश के एससी एसटी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में भी मार्च निकालने का वक्त आ गया है।